आज उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश में खरगोन के बिजली हितग्राहियों से भी करेंगे वर्चुअली संवाद। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे सीएम चिराग और कैबिनेट मंत्री। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक, सीएम भूपेश बघेल पूनिया मोहन मरकाम होंगे शामिल। कांग्रेस की पदयात्रा समेत सत्ता संगठन के कामों पर होगी चर्चा। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन, विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने पर होगी चर्चा। दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। भोपाल में पुलिस अधिकारी की कॉलर पकड़ने पर सियासत तेज, मंत्री विश्वास सारंग ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, दिग्विजय को गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की रखी मांग। देश में सबसे ज्यादा बार मध्य प्रदेश में गिरी बिजली, एक साल में 6,55,000 बार गिरी बिजली, पिछले 10 साल की तुलना में सबसे ज्यादा 199 लोगों की मौत, भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट में खुलासा। अमरनाथ यात्रा पर गए यात्री भूस्खलन के कारण फंसे, कोरबा के 11 श्रद्धालु भी शामिल, बाबा बर्फानी के दर्शन कर वापस लौटते समय हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ में 479 कोरोना पॉजिटिव मरीज, दो मरीजों की मौत, रायपुर दुर्ग में सबसे ज्यादा मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 3,276। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को तैराकी में पदक मिलने की उम्मीद, फाइनल में पहुंचे श्रीहरि नटराजन, भारत के लिए गोल्ड लाकर रच सकते हैं इतिहास, आज देर रात श्रीहरि का मुकाबला।